हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं पंजाबी मटन करी, और वो भी मक्खन वाली। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने करना है मटन को मैरिनेट। पहले मटन में मैरिनेशन के लिए सिर्फ नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसको मैरिनेट करना है। और अब करना है तेल गरम। तेल में डालना है आपने मसाले। ये खड़े मसालों में सिर्फ हरी इलायची और दालचीनी, ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं दोस्तों। तो मसालों का फ्लेवर तेल में आ चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट। ये कच्चे प्याज का पेस्ट है जिसको मिक्सी में बनाया गया है, तो लगभग 1 से 1.5 कप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना है, इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए, आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, जिससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्याज है हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डालेंगे तो इसकी फ्लेम जो है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, ताकि मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका जले ना। तो दोस्तों, इसमें डालना शुरू करते हैं मसाले। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर दोस्तों, आपने स्लाइस टमाटर यूज़ करना है, चॉप टमाटर नहीं करना है, और स्लाइस जितना हो सके पतला स्लाइस करना है, तभी आपकी ग्रेवी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर हमने टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेना है, और इसी के साथ साथ अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालते हैं मक्खन। लगभग 1/2 कप मक्खन, वाइट बटर आपने इसमें डालना है। और इस ग्रेवी को आपने अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसमें तेल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारी जो ग्रेवी है ऑलमोस्ट पकने लगी है। अब हम इसमें डालते हैं कसूरी मेथी। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है, इसने जो ऑयल है वो लगभग छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं दोस्तों जो हमारा मटन है, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो मटन को दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है मसाले में, और इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हमने इस मटन को भूनने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। लगभग 1 से 1.5 कप आप इसमें पानी डालें, और इसमें 2 से 3 सीटी लगाएं। डिपेंड करता है आपका मटन, अगर दूसरा वाला है, अगर ओल्ड मटन है तो उसमें ज़्यादा सीटियाँ भी लग सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें अब हम लगाएंगे 2 से 3 सीटी।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 2 से 3 सीटियाँ लग चुकी हैं और ये सीटी निकल भी चुकी है। ठंडा कर लिया था मैंने कुकर को और अब देखते हैं इसका हाल क्या है। ये देखिए दोस्तों, मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया, इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी के साथ साथ हमने इसमें डालना है थोड़ा सा लच्छा अदरक और हरी मिर्च। तो दोस्तों ये मटन करी हमारी बिल्कुल तैयार है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं आखिर ये बनी कैसी है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक पीस चेक करते हैं और ये पीस अगर आप देखें तो कितने आराम से ये टूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और खाने में बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आया है, अंदर तक इसमें टेस्ट है। तो अब मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा नींबू और नींबू के साथ इसको खा के देखते हैं। बहुत ही अच्छा गला है दोस्तों मीट, और टेस्ट जो है वो ग्रेवी के साथ बहुत ही बढ़िया आ रहा है चावल का। आप चाहें तो इसको चावल के साथ या फिर नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ये चावल के साथ पसंद है तो मैं चावल के साथ खा रहा हूँ। अगर आपको नान के साथ पसंद है या पराठे के साथ पसंद है तो आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इन्जॉय करी है रेसिपी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।